जी ओके। आदरणीय मीडिया के बंधुओं को अपने सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की बधाई देते हुए मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्षेत्र की तमाम महिलाएं जो समाज निर्माण और समाज के विकास के लिए लगी हुई हैं उनको जो शिक्षित प्रशिक्षित और उत्साहित करने का काम किया गया है इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और उस महापुरुष के अच्छी शुभकामना तभी होगी जो हम लोग सब जुटकर जिसने देश को अच्छी दिशा में ले जाने का काम किया है उसके सहयोग करते हुए समाज को भी अच्छा बनाने का काम करें, पोषित कुपोषण कहीं देश में रह न जाए इसके लिए संकल्प लेकर काम करने का प्रयास करें। कुपोषण के अलावा जिले में कोई साक्षर सफाई कार्यक्रम भी चल रहा है? हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो भी समाज में रुचि रखते हैं कार्यों में सभी लोग इस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर अच्छा काम करने की प्रेरणा लेते हुए समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नहीं, पिछले वर्षों में बहुत एक अभियान के तौर पर स्वच्छता अभियान चला था पीएम के जन्मदिवस पर, इस बार क्या हो रहा है? आज भी पूरा सप्ताह ये 17 तारीख से एक सप्ताह का संकल्प लिया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने और सभी सामाजिक लोगों ने कि हम इस सप्ताह के कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए स्वच्छता है और सभी अभियान के रूप में चलाएंगे और समाज को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। थैंक यू। फाउंडेशन की मैडम निर्जा और उपस्थित हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोगी स्टाफ सबके सहयोग से ये पोषण किट जो इफको और ICR के सौजन्य से जो प्राप्त हुआ है ये सभी महिलाओं को जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं इनको इस उद्देश्य से दिया जा रहा है और सुबह से इनको ये प्रशिक्षित किया जा रहा है कि पोषण वाटिका बना करके एक आदर्श पोषण वाटिका बनावें जिससे कि अगल बगल की महिलाएं भी उससे प्रभावित हों और बनाएं और उसका लाभ उठाएँ और सब्जियों का करें जिससे पोषण कुपोषण को दूर किया जा सके।